केजरीवाल जेल में रहेंगे या फिर बाहर आएंगे, यह आज तय हो जाएगा। कल दिल्ली की हाईकोर्ट के जमानत पर स्टे को बरकरार रखा गया है। अब केजरीवाल की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई, क्योंकि सोमवार को भी उनकी जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी। तब न्यायालय ने कहा था कि हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, या तो हाईकोर्ट से अर्जी वापस लीजिए। तब केजरीवाल के वकीलों ने हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना सही समझा और हाईकोर्ट ने कह दिया कि स्टे सही है, लोअर कोर्ट का फैसला ठीक नहीं था। आज सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, अब घूम फिरकर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गया है, निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पे हैं, केजरीवाल अंदर रहेंगे या फिर बाहर निकलेंगे, तो लोअर कोर्ट के फैसले को जब हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा, आप किस उम्मीद से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद कर रहे हैं? एक और राहत की उम्मीद है नेहा, और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेशी है और वहां सीबीआई बहुत चांसेस हैं कि प्रमाइसेज में प्रवेश करते ही सीबीआई उनको गिरफ्तार करेगी। इस 2022 में जो मामला दर्ज उनके खिलाफ किया गया था उस मामले में, और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी रिमांड की मांग करेगी। तो कुल मिलाकर ये है कि एक तरफ से अगर राहत मिल भी जाती है तो दूसरी तरफ सीबीआई के शिकंजे में वो आ सकते हैं, और जैसे ही औपचारिक रूप से उनकी गिरफ्तारी का ऐलान होता है, अभी तक तो सिर्फ शोर शराबा चल रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत की उम्मीद ये लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दो दिनों से सेम बेंच, यानी जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस एसवीएन भट्टी, इनकी बेंच ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से ही जुड़े मामलों पर जो टिप्पणियां किए हैं, उन टिप्पणियों को देखते हुए तो काफी उनको उम्मीद लग रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मामला आया था उसे उन्होंने असामान्य बताया था ऑर्डर रिजर्व रखने को लेकर, क्योंकि परंपरा ये रही है कि जिस समय बेल के मामलों में तुरंत फैसला हो जाना चाहिए आर्यापार, और सत्येंद्र जैन के मामले में भी उसी बेंच ने एडवर्स टिप्पणी की थी। तो अब इनको उम्मीद लग रही है कि आज शायद हैट्रिक हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल को वैसी एडवर्स टिप्पणियों के साथ जमानत मिल जाएगी। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि तिहाड़ जेल जहां से अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है वहां पर मौजूद है। हिमांशु, कितनी देर पहले अरविंद केजरीवाल को पुलिस वहां से ले गई है और पेशी के लिए कब तक वो पहुंच जाएंगे, कितना लंबा ये रास्ता है? तकरीबन 10 मिनट पहले नेहा यहां से जो पूरी सिक्योरिटी के तहत अरविंद केजरीवाल को लेकर के पुलिस की टीम निकली है, और चूंकि वर्किंग डे है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसलिए उम्मीद है कि तकरीबन 45 मिनट, करीब 45 से 50 मिनट का वक्त तिहाड़ जेल से कोर्ट पहुंचने में लग सकता है, और 10 मिनट हो गया यानी तकरीबन आधे घंटे से 35 मिनट का वक्त अभी भी पुलिस को लग सकता है कोर्ट पहुंचने में। उस बीच सुबह से ही यहाँ पर सुबुगाहट काफी तेज थी, जो तमाम सिक्योरिटी थी वो यहाँ पर बढ़ा दी गई थी, क्योंकि आप ये देखिए नेहा, जो केंद्रीय कारागार नंबर 4 आप देख रही हैं, यहीं पर पहले अरविंद केजरीवाल को रखा गया था, और उसके बाद जब आज जब पूरी जानकारी थी कि सीबीआई लेकर के सुबह 9 बजे यहाँ से निकलेगी, तो उसके तहत जो लोकल पुलिस है उसकी सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई थी, और उसके बाद तय समय पर यहाँ पर सीबीआई लेकर के निकली है और सीधे कोर्ट जाएगी। और जैसे कि आशंका है कि जब जैसे ही कोर्ट के अंदर वहां पर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, तो हो सकता है कि सीबीआई उन्हें वहीं गिरफ्तार करे और उसके बाद फिर आगे रिमांड की मांग करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।